कल्प वृक्ष भगवान की पूजा की जाए। पेड़ जो है भारत में पेड़ नहीं है, पेड़ परमात्मा का रूप है भारत में। इन इंडिया नेचर इज वर्शिप्ड एज इट्स अ लाइफ गिवर एंड सस्टेनर। दीज पीपल गैदर्ड हियर आर सर्कलिंग द कल्पतरु और द विश फुलफिलिंग ट्री इन हिंदू मिथोलॉजी। In a largely arid Rajasthan, the people of the Lamba village, some 200 kilometers from state capital Jaipur, surely have one wish granted, that of a clean and verdant environment. Vraksha vidhata jeevan data, Vraksha vidhata jeevan data, Vraksha vidhata jeevan data. Shri Kalpataru Sansthan works closely with the villagers to transform their surroundings. So far, the organization has planted over 5 million trees in different parts of India, and its goal is to do much more. Vishnu Lamba, the founder of Shri Kalpataru Sansthan, has been working tirelessly to promote greenery, and his efforts are being recognized globally. His volunteers, comprising mostly youths, have been actively involved in COVID relief work as well as the distribution of medicinal plants that can boost immunity. His organization also provides employment to villagers, especially women, who are engaged in making traditional plates as an alternative to plastic ones and organic sindoor, which can replace artificial and irritation-causing products. जो यंग ब्रिगेड है, वो भारत में इस कोरोना काल में अंतिम से अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए और कई शोधों में सामने आया है कि कई सारे मेडिसिनल प्लांट हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए कल्पतरु संस्थान के जो कार्यकर्ता हैं, हमारी यंग ब्रिगेड है, उसने भारत के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक ये मेडिसिनल प्लांट पहुँचाने के कई सारे माध्यमों से काम करना शुरू किया है। दूसरा, हमारे प्रमुख कोरोना काल में जो प्रमुख रूप से काम हुआ है वो ये है कि जो लोग बेरोजगार हो गए थे, जो हमारा परंपरागत ज्ञान था वो लुप्तता की ओर चला गया था, हम लोगों ने प्रयास किया कि जो पहले पत्तल बनती थी, डिस्पोजल प्लेट्स और ये सब चीज़ें आ गई, उसके स्थान पर हमने जो पेड़ लगाए पहले, उन पेड़ों से के पत्तों से बनी पत्तल के माध्यम से आज कई सारे हमारी कंचन, जैसे आपने देखा है, उनके माध्यम से उनको रोजगार मिला है। ऐसी सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिला है, ऐसी कई महिलाओं को सिंदूर के ऊपर काम कर रही हैं जो कभी बिल्कुल बेरोजगार थी, आज उनको सिंदूर के माध्यम से बहुत बड़ा काम खुला हुआ है, जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण भी हुआ है, स्वास्थ्य का लाभ भी हुआ है, और हमारे कई सारे और प्रकार जो इको फ्रेंडली रोजगार के जो साधन संसाधन थे उनमें भी गुणवत्ता बनी है। वॉलंटियर्स एट द कल्पतरु संस्थान हैव मेड नेचर अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड सेलिब्रेट प्लांटेशन इवेंट्स विद प्रेयर्स एंड सॉन्ग्स एंड डांसेस। Their efforts go from land to even water, where women and children are trying to make floating lotuses return by dispersing seeds in an ingenious way. Bharat Mata Ji, Vande Mataram, Vande Mataram. Their dedication has also won them appreciation from Eric Solheim, former UN Environment Program Executive Director, and state and national leaders alike. हमारे पूर्वज तो ऐसा हमेशा किया करते थे, कुछ न कुछ श्रमदान का कार्यक्रम उनके स्वभाव का हिस्सा था, और नई युवा पीढ़ी में बहुत धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत अवेयर हो रहे हैं लोग।